देश में कोरोना की दूसरी लहर से लोग त्रस्त हैं। हर कोई इस वायरस से नफरत करता है और यही दुआ की जा रही है कि ये कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। देश के डॉक्टर्स लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन शायद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना से कुछ ज्यादा ही लगाव है। तभी कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि कोरोना वायरस एक जीवित जीव है जिसे जीने का अधिकार है। सोशल मीडिया पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए और सुनिए। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोरोना वायरस भी एक जीवित जीव है, बाकी लोगों की तरह इसे भी जीने का अधिकार है, लेकिन हम खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं। यहाँ हम मनुष्य है और इसे खत्म करने के लिए तैयार हैं, इसलिए ये खुद को लगातार बदल रहा है, बहुरूपिया बन बैठा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मनुष्य को सुरक्षित रहने के लिए वायरस से आगे निकलने की जरूरत है। इस बयान को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। इस समय देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह मातम पसरा हुआ है। वहीं एक ट्विटर यूजर ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर तंज कसते हुए कहा, इस वायरस जीव को सेंट्रल विस्टा में आश्रय दिया जाना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय युद्ध कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि कोरोना एक प्राणी है। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तो इसका आधार कार्ड या राशन कार्ड भी होगा। ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं हैं जो लगातार देखी जा रही हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये बयान वाकई एक बार फिर से नेताओं पर से भरोसा उठा रहा है।